हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसी मूवी रिव्यू के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा 2024 में आने वाली जितनी भी मूवीज है वो बिल्कुल धांसू रही हैं। रिसेंटली अभी जो रिलीज हुई है वो भी एक जिगर है, स्त्री 2 है, लेडी सिंघम की आपने मूवीज देखी होंगी। लेकिन हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के रिव्यू वाले में आपकी सोच के परे इसलिए रहने वाला है क्योंकि आपने समुद्र के अंदर कभी भी फाइटिंग नहीं देखी होगी। जी हाँ गाइस, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। इस फिल्म की कहानी इसके ट्रेलर से भी कुछ तो यार इंडिया में बनने वाली काफी लंबे टाइम में एक पानी के अंदर चलने वाली मास फिल्म ये कॉन्सेप्ट सोचने से भी बड़ा मजेदार लग रहा है। जी हाँ, और जब फिल्म का बजट ऑलमोस्ट 300 करोड़ बताया जाए और उसका फेस जूनियर एनटीआर जैसे मैन ऑफ मास को बनाया जाए, मतलब इंडियन सिनेमा बदलने वाला है। इसका सबूत फिल्म की डे वन एडवांस बुकिंग जो सिर्फ इंडियन मार्केट में हाफ सेंचुरी 50 करोड़ का नंबर क्रॉस कर जाती है। इतना तो आजकल मूवी का लाइफ टाइम भी नहीं होता है। अरे डे वन बिजनेस सेंचुरी तो 100% मारेगा, लोग तो 150 करोड़ तक एक्सपेक्ट करते चल रहे हैं। 2024 में तेलुगु सिनेमा राज करेगा ऐसा सबको लग रहा था, बट पूरे 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद सिर्फ एक बात बोलूंगी, बेवकूफ बनाया गया। जी बिल्कुल सही सुना आपने, तेलुगु सिनेमा से निकलने वाला न्यूक्लियर बॉम्ब जिससे एक्सपेक्टेशन तो यह है कि कल के रिकॉर्ड क्रैक हो जाएंगे और दिसंबर में आने वाली पुष्पा को नया टारगेट एनटीआर बाबू सेट कर जाएंगे। बट ऐसा हुआ या फिर नहीं, मेरा जवाब काफी लोगों से गुस्सा कर देने वाला, आराम से सुनो। कहानी रेड सी की है, लाल समंदर, यहाँ पानी की जगह खून बहता है, मछलियों के अंदर है, बोनस में हड्डियां का कंकाल भी रहता है। डर की कहानी है जिसके पीछे सिर्फ एक नाम देवराज जो कि समुद्र के अंदर रक्षा करता है। चार पहाड़ जहां चार वकील रहते हैं, आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, कबीले के होने वाले की वजह से उन्हें यह पता नहीं था कि इसके बाद उनके साथ क्या क्या होगा। गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद काले अंग्रेजों ने उनके साथ धोखा दिया, उनकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट बनाकर रख दी। वो उनको वैसे ही भूल जाए जैसे साइकोलॉजी के अक्सर लोग भी भूल जाते हैं। पी के 7 सालों से चलता आ रहा ये भेदभाव तो आज तक किसी ने देखा नहीं। जस्टिस फॉर पी लिखकर आप अपना समर्थन जता सकते हैं। इन्हीं पहाड़ों के 4 गांव में एक में रहता था देवराज जो कि समुद्र की रक्षा करता था और साथ ही उसमें उतरने वाले बुरे लोगों का सफाया कर देता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवरा को पिछले 10 से 12 सालों से किसी ने नहीं देखा। फिर पानी के बीच जहाज में खड़ा ये भूत किसका था? भूत से याद आया, इस कहानी में एक शैतान भी है जो ताकत में देवरा से बराबर तो है लेकिन दिमाग 10 सर वाला रावण से भी तेज चलाता है। देवरा और उनका डर दोनों को मिटाना था, यह अपने 12 भैया के मन में ठाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम, देवरा ना सही लेकिन उसकी शक्ल रोज देखनी पड़ती है। जूनियर एनटीआर मतलब जूनियर देवरा अपने बाप के प्रेशर को झेल नहीं पाया और खुद चल के 12 भैया के टीम में शामिल होने आया। हीरो वर्सेस विलन का स्कोप भी है, नहीं बचता क्योंकि बाप से खुद नफरत करता है उसका बेटा। तो यार फिल्म के क्लाइमेक्स में ऐसा क्या हुआ जिसको देख करके बाहुबली की याद आ गई? देवरा ने पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस के साथ पलटी मार दी। दोस्तों अच्छी बातें बताऊं, एक्शन सीन तो बढ़िया था, बनाने का ट्राई तो बहुत ही किया, बस ये अंडर वाटर सीक्वेंस और एक्शन ये दोनों चीजें आप देवरा से माइनस कर देंगे तो फिल्म के अंदर देखने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत ज्यादा रिपीटेटेड है, बहुत पुरानी लग रही है, शायद देवरा 1994 में रिलीज होती। आज के टाइम में फादर सन डबल रोल वाले करेक्टर बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं, लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आता। अनलेंस कहानी है, ट्विस्ट आ जाता है, घंटे लंबी फिल्म सेम उसी पैटर्न से बनाई जिन साउथ मूवी का मजाक उड़ाते हैं लोग। यहाँ का राजा दुनिया का रखवाला कान में सुनाई दे गया होगा, लोग ये क्यों नहीं समझते? सिर्फ एक आदमी को बड़ा बनने से फिल्म प्रेडिक्टेबल हो जाती है। आप विलन को भी हीरो के बराबर दिखाओ ना, तभी तो फेस ऑफ से मजा आएगा। वैसे काफी लोग जिन्होंने फिल्म देखी है वो नोटिस कर चुके होंगे, देवरा और बाहुबली में काफी सिमिलरिटी है। दोस्तों पार्ट 2 का एक हिंट भी डाला है। एक्सपेक्टेशन पब्लिक ने आरआर के बाद एनटीआर के कम बैंक से लगाया था, डी फायर देवर डी फायर धोखा। लेकिन हाँ, फिल्म को थिएटर में देखते हो तो आप वन टाइम वॉच ओके है। जानवी कपूर को इस फिल्म में देखते टाइम वैसे ही इग्नोर कर सकते हैं जैसा कि मैंने पूरी स्क्रिप्ट में किया है। देवरा एक एवरेज फिल्म है, ना बहुत बढ़िया है ना ज्यादा घटिया है।
थिएटर वॉच एक बार चली जाएगी, लेकिन 3 घंटे की लंबी फिल्म हर किसी के समझ में नहीं आएगी। मूवी आपको कैसी लगी वो भी हमको बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में कि ये RR और आने वाली जैसे कि पुष्पा मूवी है उसको भी फेल कर देगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा।